पिछला वीडियो में आपने देखा कि मैंने इससे कैसे 34 वोल्ट के जगह पे मतलब 17 वोल्ट जो जोड़ के हम लोग 17 वोल्ट निकाला था, और अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि 17 दुना 34 वोल्ट निकालेंगे, मतलब जोड़ के उसको 34 वोल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे कैसे बनेगा, ये सर्किट देखेंगे पहले कि सर्किट किस प्रकार से बनेगा। तो पहले देखिए, ये सर्किट अगर हम लोग यूज़ करेंगे, बीच का जो कनेक्शन है उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, जो जीरो वाला कनेक्शन है वो उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, और उसमें जो ऊपर एक 17 वोल्ट वाला उसमें अगर एक डायोड लगाएंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनेगा, और दूसरे वाले में हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, उससे क्या होगा 34 वोल्ट निकलने लगेगा लेकिन वो हाफ वेव निकलेगा। ठीक है, या फिर देखिए इसमें 34 वोल्ट निकलेगा लेकिन इसका अगर हम इसमें कनेक्ट कुछ नहीं करते हैं और इसमें आगे में ब्रिज रेक्टिफायर लगा देते हैं, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया है, वो सब वीडियो आप दोनों देख लेंगे जाके तो पता चल जाएगा। उसमें देखिए एक पेज में मैंने बनाया था, वो दिखा देता हूँ मैं पेपर पर किस तरह से सर्किट है। ये इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ये नहीं रहेगा। ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपको ब्रिज रेक्टिफायर का, चार डायोड का इस्तेमाल करके वहाँ पर इन करेंगे वो वाला कनेक्शन को, तो वो आउटपुट देने लगेगा 34 वोल्ट, लेकिन वो 2 एम्पियर नहीं देगा। ये इसमें 2 एम्पियर देता है लेकिन इसमें क्या है 1 एम्पियर देगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वोल्टेज को ज़्यादा ले रहे हैं तो करंट उसका हाफ हो जाएगा, 1 एम्पियर आउटपुट निकलेगा। ठीक है, 34 रहेगा। तो देखिए हम लोग ये इस तरह से हम लोग करके देखेंगे, वो ब्रिज डायोड लगा के देखेंगे। तो ये देखिए पहले मैंने इस तरह से आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, तो खोल लेता हूँ, इसकी जगह पर हम लोग ब्रिज डायोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकलता है 17 वोल्ट, लेकिन इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको डिसकनेक्ट कर देंगे, वो ब्लू वाले वायर को नहीं कनेक्ट करेंगे। और देखिए इसमें 2 वायर हम लोग लगा के चेक कर रहे हैं पहले, ये मतलब खोले हैं अभी, लेकिन इसके जगह पर ब्रिज आउट लगेगा। ये देखिए ये वाला जो वायर है वो कनेक्ट होगा ब्रिज आउट में, जिस तरह से मैंने दिखाया था पहले वीडियो में उस तरीके से कनेक्ट होगा। और देखिए सर्किट के अनुसार ये 2 छोर दिख रहे हैं, उसमें से आउटपुट निकलेगा, एक साइड से माइनस एक साइड से प्लस, तो वो चेक करेंगे हम लोग मल्टीमीटर से। देखिए आप इससे, मेरा 3 वीडियो पहले भी मौजूद है चैनल पर, वो जाकर आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कैसे बनाना है हाफ वेव, कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है, बैटरी चार्जर भी उसी से बन जाएगा। तो इसको पहले मैं चेक करता हूँ वोल्टेज DC करके, 200 वोल्ट वाले में डाला हुआ हूँ क्योंकि 20 वोल्ट से ऊपर आएगा इसमें। ये देखिए इसमें 30 वोल्ट आ रहा है, 30 वोल्ट इसलिए आ रहा है, 34 वोल्ट आना चाहिए लेकिन 30 वोल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो फिल्टर होकर वो 30 वोल्ट का जगह 34 वोल्ट दिखाएगा, लोड देने के बाद वो कंट्रोल हो जाता है। हम लोग इसका करंट चेक कर लेते हैं कितना एम्पियर आ रहा है, ऐसे 1 एम्पियर आना चाहिए लेकिन 1 एम्पियर के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा आएगा ऐसे, क्योंकि कैपेसिटर नहीं है ना इसमें लोड दिया हुआ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये लगभग 1 एम्पियर, देखिए 1.3 1.4 एम्पियर दिखा रहा है, ये 1 एम्पियर ही आएगा लेकिन वो ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये जो अगर ब्रिज रेक्टिफायर लेते हैं ब्रिज, तो इससे ब्रिज DC तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो अगर 2 है 12 0 12 है तो 24 वोल्ट निकाल सकते हैं, आई 17 0 17 34 वोल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका सर्किट बनाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा कुछ या फिर कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।